सबसे पहले बात करेंगे कराची में जराइम की। शहर कायद में जराइम की शरह रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ गई है। 6 घंटों में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया है। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। सहराब गोट में मस्जिद के बाहर निकलने वाले नमाजी पर हमला कर दिया गया। फायरिंग से अब्दुल्ला दीन नामी शहरी जाँबाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नमाज इशा की अदायगी करके बाहर निकल रहा था कि टारगेट किया गया। वाकया बज़ाहिर पुरानी दुश्मनी का शख्साना मालूम होता है। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे कई बातें करीब नमालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद हो गया। आयशा मंजिल पर फायरिंग से जाँबाक नौजवान की शनाख्त 28 साल दानिश के नाम से हो गई है। मुजिमान गुलशन इकबाल में शहरी से लूट मार करके फरार हुआ तो दानिश ने उनका ताकुब किया। आयशा मंजिल पहुंचा तो मुजिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल को सीने में लगने वाली जानलेवा गोली साबित हुई। दोस्त ने बताया कि दानिश की ईद के बाद शादी थी। गुलबर्ग और नुसरत भुट्टो कॉलोनी करीब फायरिंग से 2 शहरी जाँबाक, 1 जख्मी हो गया। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से। कराची में जराइम की खबरों से आपको आगाह कर रहे हैं। शहर कायद में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई है। चंद घंटों में 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। फायरिंग से एक शख्स जाँबहक हो गया। सराब गोट में मस्जिद के बाहर निकलने वाले नमाजी पर हमला कर नामी शहरी जाँबहक हो गया। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी रहा, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।